ये बालियाँ हैं ऊपर से लॉक है, बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी। मेरा ना बहुत टाइम से मन था, मैंने एक्चुअली देखी किसी और जगह पे थी, पर जैसे ही मुझे मीशो पे दिखी मैंने फटाफट ऑर्डर कर दिया। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, शायद 100 कुछ रुपये की है, मैंने फटाफट से ऑर्डर कर दी। तो मेरे को भी चाहिए, मैं बोर हो गई है गोल्डन वाली पेन पेन के ना, और ये अब ख़त्म भी हो गई है। 5 का सेट मंगवाया था, इनका रंग उतर गया, 4 का 5वीं ये है, इसका भी उतर रहा है। सिर फट रहा है यार, चाय बन गई होगी, चाय रख के मैं आ गई थी कल शाम को, कपड़े 3रा लॉट धोया था वो सुखाया ही नहीं था, भूल गई, वो भी सुखाया ही, बाहर से थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ। बाहर निकल आते हैं ना, तो अभी इलेक्ट्रॉनिक सेल लगी तो हुई थी फ्लिपकार्ट पे। चलिए पहले इससे बतिया लो, कब से लगा रखी है मशीन, 1.5 घंटा हो गया, अभी तक 15 मिनट बैठी हुई है, चल जा, पता नहीं क्या कर रही है। अब खत्म हुए कपड़े, हाँ हाँ कपड़े खत्म, तू अम्मा बन के बैठी रह बस। और अभी मैं आई हूँ किचन में क्योंकि ऑर्डर हुआ है इडली का, एक हाथ से कोई काम ही नहीं होता। इडली बनानी है तो पहले बैटर घोलना पड़ेगा और इसको थोड़ा दोबारा से धोना पड़ेगा। तो ये आई है नई इडली, ये थोड़ी सी ऊपर पड़ी है और थोड़ी सी ये है, तो एक बार चेक कर लेती हूँ। पुरानी सूजी है, कीड़ा लग गया, ये देखो कीड़े हैं। नो यूज़ इसको कहाँ रखें, यहाँ रखते हैं, गाय को डलवाएंगे। ये अंदर बेसन भी रखा था और मैंने उस दिन नया भी खोल लिया तो ये बेसन भी डाल दो। अब ना पता क्या हो रहा है, मैं ना इन डब्बों से भी बोर हो गई हूँ, ये वाले है ना, जैसे ये है ना, ऐसे ही मुझे नए डब्बे लाने का मन कर रहा है। और अगर मैंने दिया के सामने बुलाना मेरे को गाली देगी, गाली पहले ये क्यों मंगवाए थे, फिर जब आ गई काले काले हो गए, अच्छे नहीं लग रहे। ऐसे में मैंने बड़े वाले देखे हैं, मैं वो मंगवाऊँगी। चलिए सूजी को घोलते हैं। दही मंगवाया था मैंने, दूध और दही, ये रहा, देखो ला के रख दिया, ये नहीं कि भाई चल उबालने रख दूँ, इतना तो कोई कर ही नहीं सकता ना। नहीं लूना, चलो आज कोशिश करूँगी कि राशन भी थोड़ा सा संभाल देती हूँ। पहले सबसे पहले ये बर्तन संभालती हूँ ताकि जगह बने। जितनी देर यहाँ की सफाई कर रही थी उतनी देर में मैंने दूध बॉईल कर दिया है, पानी रख लिया है और सूजी भी भिगो के रख दी है। इसमें एक ये वाला डब्बा जो है सूजी का लिया है और 3/4 मैंने लिया है दही का, और सिर्फ नमक डाला है और पानी। तो ये सिंपल सूजी का इडली बना रही हूँ मैं। वैसे ओट्स की भी बनानी थी बट ओट्स की और कोई खाएगा नहीं, दिया कह रही रहने दो, बस यही बना लो। और ये ना मेरे पास थोड़ी छोटी इडली का सांचा है तो बहुत सारी बनानी पड़ेंगी मुझे, इसलिए तकरीबन ये वाला देखिए आधे से ज़्यादा पैकेट डाल दिया मैंने। चलिए अब मैं थोड़ा उधर का काम देख लेती हूँ, तब तक ये भी सब फ्रेश हो जाएगा, मतलब वो सूजी जो है वो भीग जाएगी, उसके बाद इसको मैं इडली के सांचे में लगा के और रखूँगी। चल थोड़ा थोड़ा ये सामान संभालती हूँ, कुछ डब्बे धुल चुके हैं उनमें चीज़ें ट्रांसफ़र करनी। इडली बन चुकी है और एक लॉट मैंने बेसन की इडली का डाला है, ये देखिए एक लॉट बन चुका है। ये साहब को चाहिए प्लेन, चटनी भी नहीं और सॉस भी नहीं, लेनी हो कुछ तो बता देना। सांभर बचा है क्या रात का? सांभर भी बचा हुआ है अगर किसी को खाना हो तो। सांभर लेना है, गरम कर लूं हैं, ठंडा? चलिए सांभर दे दो। ये बेसन वाली इडली जो मैंने डाली है, देखा है मैंने अभी गीली है, देखिए चम्मच पे लग गई। तब तक सांभर गर्म हो जाए फिर दिया को दे देती हूँ। इतनी सॉफ्ट बनी है आज इडली, ये देखो कैसे टूट रही है, परफेक्ट। हाउ वाज द टेस्ट? अरे डाल दिया, बोल तो दिया एक बाइट मुझे दे। कोको कैसी बनी है इडली? नहीं दी देखो को देखो, दी नहीं दिया ने? खा ले, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, ये ले तू, लेधर ले कोको, खा ले फटाफट, खा ले ये ले, जल्दी 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 इसको तो, हाँ बहुत पसंद है ना, खा ले फटाफट खा ले। ये मेरा पार्सल पैक हो गया है, ये जो कल डब्बों का गत्ता आया था, डब्बा आया था,
इसके अंदर मैंने सेवियों का डब्बा डाल दिया, बिल्कुल परफेक्टली आ गया। अब मुझे एक्स्ट्रा पैकिंग नहीं करवानी पड़ेगी, वरना क्या होता है ना, कुरियर वाले ना एक्स्ट्रा पैकिंग करते हैं, वो पेपर वाली हैं और उसके अंदर पैसे लगा देते हैं इतने, कुछ कहने की हद नहीं। तो अब ये पैक हो गया, इसके ऊपर एड्रेस लगा के और मैं कुरियर वाले को अभी बुलाऊंगी, ये भेज दूंगी। 4:30 बज गए नहाते करते, बीच में इनको भूख लगी थी तो इन्होंने कहा दलिया खाना है, नमकीन नहीं मीठा, तो मीठा दलिया बनाया, खा लिया। मैंने ना तेल लगा रखा था ना सिर पे, तो इतना अच्छा लगा ना सिर धो के। बाल ना पता नहीं 2 दिन में इतने रफ हो जाते हैं, और आज तो स्किन भी यहाँ से ना सारी खिंच रही है। चेहरा देखो ना कैसा हो रहा है मेरा, सफ़ेद सफ़ेद सा। आज मैंने अभी मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं लगाया, अभी लगाती हूँ। मैंने कहा पहले ये खा लूँ, मेरी ना यहाँ पर ना जलन हो रही है गले में ना सारी। मैं ना कोशिश कर रही हूँ, मैं पेंटो सीट की आदत जो मुझे हर रोज एक दिन छोड़ के एक दिन हो गई थी ना, मैंने सोचा उसको ना कम करूँ, थोड़ा सा ना अवॉइड करूँ कि पेंटो सीट 2-4 दिन बाद जैसे मैं पहले हफ्ते में 1 या 2 खाती थी वैसे आ जाऊँ, तो वो हो नहीं पा रहा यार, मुश्किल लग रहा है। चलिए मैं पहले ये खा लेती हूँ, फिर थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि किचन सारी संभाल के आई हूँ, अभी राशन अभी भी नहीं संभाल पाई, ऊपर बहुत गंदा हो रहा है। तो विनीता को बोल दूँगी कल सुबह कि कल शाम को ना वो ऊपर की इधर वाली शेल्फ पूरी खाली कर देगी ना, तो डब्बे सारे उतरे होंगे मैं भर दूँगी, और वो ऊपर मैट बिछा देगी ना, तो फिर मैं लगा दूँगी शाम को। बेस्ट भी यही है, इसलिए आती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। पता नहीं पेड़ से ना किसी बर्ड की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है, सुनाई दे रही है। वहाँ पे पेड़ हिल भी रहा है वहाँ बीच में। चलिए टाइम हो रहा है 5:30 और शायद का टाइम है। देखो मैंने बोला था ना कि सेमी मैगी ही खाएगा, देखो मैगी खाई इसने, ये दलिया। है 6:30 हो रहे हैं, आंखें खराब हैं। चलिए जी चाय बनाएं, चाय रख दी, इसको सिम पे पकने देते हैं, चलते हैं मशीन में कपड़े धुले हुए, और आज पानी सुबह बोलना भूल गई, देखना भूल गई, और अब वो मना कर रहा है, कह रहा है कि अब कल सुबह आएगा और कल तक पानी के बिना गुजारा करना पड़ेगा, थोड़ा सही है। चलिए ये कपड़े मैं सुखा देती हूँ, बाहर के सूख गए होंगे वो उतारते हैं। धो के तैयार तो मैं हो गई थी, पर मैं इयररिंग्स पहनना भूल गई हूँ, तो अब मैं अपने इयररिंग्स पहन रही हूँ। देखो कान में कुछ और भी है, इसको निकालना पड़ेगा पहले, इसको निकाल के आती हूँ। बहुत टाइम से मेरा मन था ये वाले टॉप्स पहनने का, लेने का स्पेशली, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। देखो फोकस, मुझे लगा भी टूट गई दम ले गई, कैसे लग रहे हैं, छन छन हो रही है इसमें। चलिए अभी मैंने जो पुराने उतारे हैं ना वो इसी में डाल दिए हैं डब्बे में, लूना से बचा के रखनी पड़ेगी, लूना रानी कुछ नहीं छोड़ती। और अब मैं इवनिंग तो हो ही चुकी है, इवनिंग क्या 8 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि ना कुछ एक सब्जियाँ फ्रिज में रखी थी, ओम साई नाम संध्या भी नहीं की हुई, तो हरी मिर्ची काफ़ी टाइम की आ रखी है, तो दही हरी मिर्ची की सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये तो खिचड़ी खाएंगे, तो मैं भी खिचड़ी खा लूँगी, और समृद्ध मैगी तो दिन में खा चुका है, तो रात को समृद्ध क्या खाएगा, पर हरी मिर्ची पहले चेक कर लूँ। मैं क्या बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए पुलाव बना दूँगी, थोड़ा पुलाव कोको लूना भी खा लेंगे, तो चारों के लिए पुलाव हो जाएगा, इनके लिए खिचड़ी बनाऊँगी, तो मैं तो दोनों ही खा लूँगी, खिचड़ी भी खा लूँगी और पुलाव भी खा लूँगी, तो मेरी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो अब मैं सोयाबीन वाला पुलाव चढ़ा देती हूँ, और इनसे भी पूछ लेती हूँ, अगर ये पुलाव खा लेंगे तो पुलाव का भी बना लूँगी, अगर खिचड़ी खाएँगे तो खिचड़ी बना दूँगी, नहीं तो दलिया तो इनका रखा ही है।
कर लिया, रिया को भी बहुत पसंद है, थोड़ा बहुत मुझे खा लेगी इसको खाना होगा। चलो मैं देख रही थी दीवार, दीवार पर फिर देखो गंदगी आ गई बहुत, ये कल झाड़ू से साफ करवाऊँगी। चलिए फिर निकलती हूँ मैं अपने ठिकाने पे, सर्विस पे, ड्यूटी पे। पुलाव में तो कुछ दिखाने वाली चीज़ें नहीं, प्याज आलू और सोयाबीन बस तीन चीज़ें डालेंगी, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। ये बनेगा सफ़ेद प्याज सफ़ेद पुलाव, टमाटर वाला नहीं है तो रेड नहीं बनेगा। ठीक है, बना के फटाफट रख के आ जाती हूँ, एक बार इनका दिखाऊँ आपको। वैसे मेरे से बात नहीं करेंगे, अभी मैं पूछूँगी ना कि खाने में क्या बना सकते हैं, उनको ये शुक्र है मैं वीडियो नहीं बना रही। आप दलिया खाओगे या खिचड़ी? पुलाव बना रहे हो बच्चों के लिए सोयाबीन वाला, पुलाव खाओगे, खिचड़ी नहीं खाओगे? हाँ चला, चलिए मैं फटाफट से पुलाव रखती हूँ क्योंकि दिया उठ जाएगी ना उसका टाइम हो रहा, तो फिर भाबड़ भाबड़ मच जाती है सारी। खाने बैठ गई है, ओ कैसा बना है, नमक कम है, मिर्ची ज़्यादा है, तो क्या कमी है, टेस्ट नहीं हो गया। मतलब अदरक लहसुन का टेस्ट अच्छा आ रहा है? ये नई वाली मंगवाई है मैंने, डाबर वाली, स्मिथ एंड जॉन्स में ना, वो पता नहीं अजीब सी एक स्मेल नहीं आती, इसमें कोई स्मेल नहीं है, फ्रिज में भी पड़ा है ना, कोई स्मेल नहीं है, एयर टाइट उसका ढक्कन है, लॉक हो जाता है। अब ये देख इसको, इसको पता चल गया पुलाव बना है, वो पुलाव का दीवाना आ गया। देख कोको क्या चाहिए, क्या चाहिए कोको को, भूख लगी है, है? हाँ जीभ मार के बता रहा है वो, देखो 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 रुक के नहीं रही जीभ। पनीर की क्या जरूरत है, पुलाव है ना आज, तो पुलाव खाएंगे दोनों, है ना भाई, है ना कोको, पुलाव खाएगा ना, जा सैमी दे रहा है। सवेरे कितने बजे जाना है भाई तूने? 6:30 बजे। और आएगा कब, कहाँ जा रहे हो? समाधान, समाधान एनजीओ, एनजीओ तो वहाँ पे क्या सिखाएंगे तुमको? हमें सिखाएंगे कि चिल्ड्रन, सिखाएंगे कुछ नहीं, हम बस वहाँ पे वो जो वॉलंटियर करने जा रहे हैं विकलांग बच्चों के लिए, तो वहाँ पे हाँ छुट्टियों में, हाँ वीक में दो बार, हाँ मैंने बोला, मेरे से पूछा था परसों कि मम्मी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैंने कहा क्यों नहीं जा भाई, ऐसी जगह तो जाना चाहिए ना जहाँ पे कुछ सीखने को मिले, और ये तो अच्छी जगह है, वहाँ जाके तुम सेवा करोगे, उनके स्ट्रगल देखोगे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का तुम्हें मौका मिलेगा, अच्छी चीज़ है। और कितने बच्चे जा रहे हैं? एक तो पता नहीं, एक टीचर जा रही है, शेव करवा के प्लम्बर बन जाता है। अच्छा तो लग रहा है, अच्छा बिना मतलब के मेरे बेटे को बोलती रहती है, तू क्या लग रही है भूतनी, क्या करियो, इससे मैं डर जाऊंगी, व्हाट अ जोक, क्या क्या हो, क्या लाने तू भी ना, चुड़ैल चल रहा है इतना नहीं आपको देखे, ये देखो याद है जब तू छोटे होते रात को, रात को सोती नहीं थी तो मैं बाल मुंह पे करके कैसे डराती थी, ये इतनी बड़ी चुड़ैल तो पहले बैठी है बिना दांतों वाली, तो भूतों का क्या काम है यहाँ पे। चलिए जी खाना पीना हो गया इसका, अब बस टिफिन डालेगी ये, मैं तो डालूंगी नहीं, समृद्ध खाएगा मैं खाऊंगी, उसके पापा ने पुलाव ही खा लिया, खिचड़ी के लिए तो मना ही कर दिया था आपको मैंने दिखाया था, तो बस आज का दिन खत्म, अब कुछ बचा नहीं है, बस सोना है और कल सुबह फिर टाइम से उठना है क्योंकि इसने जाना है, तो इसका भी मुझे देखना पड़ता है जाने के लिए, कुछ लेके जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, दिमाग हिल जाता है क्योंकि इनको कुछ पता नहीं होता। देखिए आप ये बुलाएगी तो उसकी पूंछ हिलने लग जाएगी, बस ये दिखाना था, तो मैं बता रही थी कि इन लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, स्कूल वाले रिफ्रेशमेंट देंगे, खाना देंगे, नहीं देंगे, तो मैं सोचूं पुलाव तो काफ़ी मैंने बनाया है, तो अगर होगा तो मैं पुलाव ही दे दूँगी इसको, क्योंकि चावल ऐसी चीज़ है एक बार गर्म करके डब्बे में डाला तो ख़राब नहीं होंगे जल्दी, और कुछ कुछ भी बना के दूंगी ना, पराठा भी दूंगी किसी चीज़ का, तो ख़राब होने का चांस है। लड़ो मत लूना, नहीं मेरा पैर, तो मिलते रहेंगे रोज़ ऐसे तरीके से, कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छे सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज मुंह में स्लाइवा ही नहीं है, सूखा पड़ा है मुंह, तो
निकल ही नहीं रही आवाज ही टिक 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 हो ही नहीं रही आज। कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाएगा, कल मिलते हैं। बाय।